नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। वही बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 जुलाई 2019 को एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल की बुआई से लेकर के मंडियों में फसल बिक्री तक की सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें बीमा सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसल के लिए दिए जाने वाले मुआवजे व विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य वित्तीय सहायता समेत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को बोई फसल का नाम, खेती के तहत क्षेत्र, फसली महीना, बैंक खाता नंबर तथा मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारियाँ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी। बैठक में बताया गया है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का पंजीकरण के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए www.fasalharyana.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान बोई गई फसलों के पंजीकरण के लिए 31 जुलाई 2019 तक किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक किसान को एक स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जा रहा है, लेकिन फसल चक्र के आधार पर फसल रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ तथा उसके भाग के लिए 10 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा, परंतु यह सहायता न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 50 रुपये तक हो सकती है, जिसकी राशि किसानों के खाते में सीधी जमा होगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।